हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड देयर कंस्टिट्यूएंसी विद ट्रिक्स। बट शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पहले मिनिस्टर हैं अमित शाह, जिनका डिपार्टमेंट है होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांधीनगर, गुजरात। इसे आप याद रख सकते हैं, गांधी जी एक शाही घर से बिलोंग करते थे, तो गांधी जी से गांधीनगर, शाही से अमित शाह, घर या होम से होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। तो यहाँ बात गुजरात की हो रही है, तो गुजरात के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर है विजय रूपानी, वहाँ की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात जो है वो MSME कॉर्पोरेट लोन देने में टॉप पे है, साथ ही सबसे ज्यादा सोलर पैनल लगाने वाला स्टेट भी गुजरात बना है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिनका डिपार्टमेंट है डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। इसे आप याद रख सकते हैं, राज करने के लिए लक और डिफेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो राज से राजनाथ सिंह, लक से लखनऊ, उत्तर प्रदेश, डिफेंस से रक्षा मंत्रालय। तो यहाँ बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो वहां के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, वहां के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश बना है। साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति का अनावरण वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर्स हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा, गुजरात। इसे याद रख सकते हैं आप, विदेश जाने से पहले मोदी जी शंकर भगवान के दर्शन करते हैं। तो जब भी वो विदेश जाते हैं तो वो शंकर भगवान के दर्शन पक्के से करते हैं। तो विदेश से विदेश मंत्री, शंकर से सुब्रमण्यम जयशंकर। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। तो हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स और वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट मिला है निर्मला सीतारमन, जो पहले हमारी रक्षा मंत्री थी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा, कर्नाटका। इसे आप याद रख सकते हैं, सीता ने एक एक रुपया जोड़कर घर का बजट बनाया। तो सीता से सीतारमन, कर से कर्नाटका, जो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और बजट से कॉर्पोरेट अफेयर्स और वित्त मंत्रालय। बात यहाँ कर्नाटक की हो रही है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के सीएम हैं BS येदियुरप्पा, वहाँ के गवर्नर हैं वजूभाई वाला। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने पिंक सारथी वाहन योजना शुरू की है, जो महिलाओं की सेफ्टी के लिए है। कर्नाटक की शीर्षी सुपारी और कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग दिया गया है। जो कोल्हापुरी चप्पल है वो कंबाइंड है विद महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक की कोल्हापुरी चप्पल को GI टैग मिला है। तो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का डिपार्टमेंट जिनको मिला है वो है नितिन गडकरी जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। इनके नाम में ही इसको याद रखने की ट्रिक छुपी हुई है। कैसे, मैं बताती हूँ। गडकरी, तो गढ़ से आपको क्या वर्ड याद आता है? गढ़ से गड्ढे, और गड्ढे किस पे होते हैं? ऑफ कोर्स रोड पे। और जो लोग रोड से गुजरते हैं वो मोस्टली यही बोलते हैं, हमारा देश गड्ढों का राष्ट्र है। तो राष्ट्र से क्या हो गया? महाराष्ट्र। तो नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। गडकरी में जो करी वर्ड है, जो इंग्लिश वर्ड आप देखेंगे KAR, कार, तो जो कार है वो माइक्रो भी होती है, स्मॉल भी होती है, और मीडियम भी होती है। तो नितिन गडकरी जी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के मंत्री हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर की तरफ। तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर का डिपार्टमेंट किसे मिला है? वो सदानंद गौड़ा को मिला है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बेंगलोर नॉर्थ कर्नाटका। इन्हें याद रखने की ट्रिक भी इनके नाम में ही छुपी है, सदानंद गौड़ा। तो गौड़ा से मुझे एक वर्ड याद आता है, विच इज घोड़ा। तो एक घोड़ा है जो घास खा रहा है, लेकिन वो एक केमिकल वाली घास खा रहा है। तो वह घोड़ा जो केमिकल घास खाता है, वो डिपार्टमेंट किसके पास है? सदानंद घोड़ा के पास। तो जैसे ही आप ये नाम आए और आप घोड़ा पढ़ो, तो घोड़ा से घोड़ा और घोड़ा से केमिकल घास। तो आई होप आप मेरा ये वीडियो इंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक दिल्ली। इनको याद रखने की ट्रिक भी इनके नाम में ही छिपी है, विच इज हर्षवर्धन डॉक्टर। अब डॉक्टर क्या करते हैं? सबसे पहले तो वो हमारी हेल्थ सही करते हैं। अगर हमारी हेल्थ सही होगी तो हमारी फैमिली सही होगी। तो डॉक्टर से कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब जो सेकेंड नाम है वर्धन, विच इज वरदान, आप इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं, वरदान। तो साइंस और टेक्नोलॉजी जो हमें मिली है वो हमारे लिए एक वरदान है। आज जो इंसान है वो चांद तक पहुंच गया है और भी बहुत सारे प्लेनेट पे पहुंचने की तैयारी में है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक वरदान है। तो वर्धन से वरदान। क्या वरदान है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड डॉक्टर से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। सो हर्षवर्धन जी हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के प्लस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्लस अर्थ साइंस के मिनिस्टर। तो हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान, जिनका डिपार्टमेंट है कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिन्हें हिंदी में बोल सकते हैं उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। इसे याद रखने की ट्रिक है, एक घर है जिसका नाम है राम विलास, वहाँ पे पब्लिक को फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो राम विलास में पब्लिक को फ्री में फूड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो राम विलास से राम विलास पासवान जी, पब्लिक से फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे नेक्स्ट मंत्री हैं रवि शंकर प्रसाद, जिनको डिपार्टमेंट मिला है लॉ एंड जस्टिस प्लस कम्युनिकेशंस प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। इसे याद रखने की ट्रिक है, रवि ने शंकर का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चुरा लिया जो अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है। सो रवि शंकर प्रसाद जी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट तो कोई भी हो सकता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं, विच इज मोबाइल। सो मोबाइल इज यूज फॉर ऑब्वियसली कम्युनिकेशंस। सो कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट भी रवि शंकर प्रसाद जी को ही मिला है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आपसे पूछे क्या है तो आप क्या बताएंगे? पता नहीं। तो इस पता नहीं में ही इसका आंसर छिपा है, पता नहीं, पटना, पता नहीं। अगर आप इसको हिंदी इंग्लिश में देखेंगे PATNA, तो पता नहीं पटना, पता नहीं पटना। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मिनिस्टर की तरफ। माइनॉरिटी अफेयर्स अल्पसंख्यक मंत्रालय जिन्हें मिला है वो है मुख्तार अब्बास नकवी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है राज्यसभा झारखंड। मोदी जी ने सोचा कि ये माइनॉरिटी अफेयर्स वाला डिपार्टमेंट मैं किसको दूंगी, तो उन्हें लगा कि वही इंसान होना चाहिए जो लोगों के खातिर सोचे, उनके बारे में सोचे। तो खातिर मुख्तार
जब भी माइनॉरिटी अफेयर्स की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए जो लोगों के खातिर हो। तो जो खातिर वर्ड साउंड कर रहा है वो किसके नाम में करता है? ऑब्वियसली मुख्तार जी के नाम पे। तो मुख्तार अब्बास नकवी को माइनॉरिटी अफेयर्स का डिपार्टमेंट मिला है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।